नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से आईडी पार्क यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स मार्च 2019 के। इससे पहले जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देख लीजिए। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। SBI प्रीमियम बैंकिंग ई लॉबी सर्विस देने वाला हरियाणा का पहला ज़िला कौन सा है? तो वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी में SBI प्रीमियम बैंकिंग ई लॉबी सर्विस का शुभारंभ किसने किया था? राणा आशुतोष कुमार सिंह ने, चंडीगढ़ सर्कल के CGM ने किया था। ठीक है, थर्ड इज़ हरियाणा के गांवों में वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें बनाने के लिए प्रथम चरण के लिए कितने जिलों के गांवों को चुना गया है? मतलब जो वेस्ट प्लास्टिक होती है उससे सड़कें बनाने के लिए कितने जिलों को चुना गया है पहले? सो तीन जिले हैं वो, रोहतक, सोनीपत, झज्जर। असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को 60 साल की उम्र से ₹3,000 पर महीना देने के लिए कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना की शुरुआत की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2019 में कुल कितने खंडों को सक्षम खंड हो गए हैं? सो जो है वो 94 खंड हो चुके हैं। फरवरी 2019 में 68 खंड घोषित हुए थे। सिक्स्थ इज 3 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने जिलों के लिए 4,106 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास व उद्घाटन किया था? सो वो किया था उन्होंने 22 जिलों के लिए 211 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज पहलवान विनेश फोगाट ने डेल कालोव इंटरनेशनल मीट में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था जी विनेश फोगाट ने। पहलवान बजरंग पूनिया ने पेट्रोव इंटरनेशनल मीट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। नाइन्थ इज निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? वो जीता था स्वर्ण पदक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में कौन सा शहर टॉप पर रहा? करनाल सबसे टॉप पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा के कितने शहर टॉप 100 में रहे? 4 शहर टॉप 100 में रहे, करनाल, रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम। इनके स्थान दिए हुए हैं, करनाल था 24वें पर, रोहतक था 69वें मतलब 69वें पर, पंचकुला था 71वें पर और गुरुग्राम था 83वें स्थान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में टॉप 3 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ये 3 है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड और तीसरा महाराष्ट्र। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गुरुग्राम है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। काफी दुख की खबर, वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? 4 शहर हरियाणा के शामिल हैं जिसमें से गुरुग्राम पहले पर, फरीदाबाद चौथे पर, जींद 20वें पर व रोहतक 25वें स्थान पर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो ये स्थानों वाले हैं। सो नेक्स्ट इज 16। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा है प्रथम राज्य। 26 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य ने परिवार समृद्धि योजना लागू की? हरियाणा ने लागू की थी। हरियाणा में सूरज कुंड मेले की तर्ज पर राज्य स्तरीय सरस मेले 2019 का आयोजन कब और कहां किया गया था? 22 फरवरी से 5 मार्च तक अंबाला कैंट के गांधी ग्राउंड में किया गया था। 19th इज राज्य स्तरीय सरस मेले 2019 का आयोजन किसने करवाया था? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के किस जिले में पहली इको फ्रेंडली जेल बनी? पानीपत की 70 करोड़ की लागत से यहाँ 230 किलो वाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है।
इसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च को किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट डालना है इसको, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में अतुल्य भारत संस्कृति कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? ये आप सबको पता होगा, कुरुक्षेत्र के हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में किया जाता है, ठीक है। 22 इज अतुल्य भारत सांस्कृतिक कुंभ मेले का आयोजन कब और किसने किया? इस मेले का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय व उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से 5 मार्च से 9 मार्च तक किया गया था। हरियाणा के किस ब्लॉक को प्रदेश का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक घोषित किया गया है? सांपला को घोषित किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के अवसर पर हरियाणा की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के अवसर पर हरियाणा की महिला को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार मिला, ये मिला था रेखा लक्ष्मी सिंह चौहान को, रेवाड़ी से हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय पिंक मैराथन का आयोजन किया गया? पानीपत में किया गया था, याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 हरियाणा की किस महिला को सोशल साइटों पर सामाजिक मुहिम चलाने के लिए वेब वंडर वुमेन का खिताब दिया गया? IAS ऑफिसर सोनल गोयल को दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। 8 मार्च से हरियाणा में गर्भवती महिलाओं व बच्चों में एनीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? ये था अटल अभियान। इस अभियान पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 29 इज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के अवसर पर पानीपत में आयोजित पिंक मैराथन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 35,000 महिलाओं ने भाग लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हिसार में कितने एकड़ में डेयरी प्लाजा बनने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? 50 एकड़ में बनने को मंजूरी मिली है। 50 एकड़ में बनने वाला डेयरी प्लाजा हिसार के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? हिसार के गांव बीड में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 32, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इसको किया गया है प्रतिष्ठित भारतीय उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान 2018 से सम्मानित। 33 इस समय हरियाणा में ऐसे कितने मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है? 5,910 ऐसे हैं जो 100 को पार कर चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 34 हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है? 5 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला पद्म भूषण श्री दर्शन लाल जैन, और 4 पद्मश्री श्री कंवल सिंह चौहान, बजरंग पूनिया, नरेंद्र सिंह, सुल्तान सिंह। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 35 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के श्री दर्शन लाल जैन को किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया? पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कंवल सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? सोनीपत से संबंधित हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किसान सुल्तान सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? करनाल से। दर्शन लाल जैन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड में सम्मानित किया गया? सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 इज 39 सॉरी, हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा है जो सीवरेज मैन होल की सफाई रोबोट से करेगा? गुरुग्राम। 40 श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। 41 इस समय हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? 58 हर्बल पार्क हैं हरियाणा में। हरियाणा के किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन IPL 12 के लिए हुआ है? राहुल तेवतिया, गांव सीही, फरीदाबाद, ठीक है। IPL 12 में हरियाणा के राहुल तेवतिया किस टीम की ओर से खेलेंगे? दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आईपीएल 12 टीम दिल्ली कैपिटल ने राहुल तेवतिया को कितने में खरीदा? 3 करोड़ में खरीदा। सीआरपीएफ ने गुरुग्राम के कादरपुर स्थित सेंटर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 80वां स्थापना दिवस मनाया है। 19 मार्च 2019 को इस सेंटर की स्थापना हुई थी। लोकसभा चुनाव 2019 हरियाणा में कब होंगे? 12 मई को होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 हरियाणा में कौन से चरण में होंगे? छठे चरण में होंगे। मतगणना 23 मई को होगी। ये हो चुका है, आप सभी को पता होगा। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का दूसरा एमडीआर टीबी सेंटर खोला जा रहा है? भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां सोनीपत में। डिजिटल इंडिया के तहत झज्जर के किस गांव को डिजिटल बनाया जाएगा? सांखोल को डिजिटल बनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50th 8 से 10 मार्च तक यूक्रेन में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? 4 खिलाड़ियों ने जीता था। ये चारों खिलाड़ी गुरुग्राम से हैं। भारतीय टीम में टोटल 18 खिलाड़ियों ने भाग लिए, जिनमें से एक महिला खिलाड़ी समेत 4 अकेले गुरुग्राम से हैं। स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार से हैं: कृष्णा, नितिन राणावत। बेंच प्रेस में 195 kg, स्क्वैट में 130 kg। रंजीत बेंच प्रेस में 145 kg, स्क्वैट में 170 kg। कोच दीपक वर्मा डेड लिफ्टिंग में 205 kg, स्क्वैट में 170 kg। आंध्र प्रदेश में आयोजित रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? अभिषेक कौशिक कुरुक्षेत्र से हैं, इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 52। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पहले क्रिकेटर का नाम बताओ जिनका चयन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हुआ है। अभिषेक कौशिक का हुआ था। आंध्र प्रदेश में आयोजित रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाड़ी अभिषेक कौशिक ने किस टीम की ओर से भाग लिया? नागालैंड से भाग लिया था। हरियाणा प्रदेश का पहला एबिक सेंटर किस में बनाया जा रहा है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में बनाया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म किस में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, जो है 139 एकड़ में बनाया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव मेले का आयोजन किया गया? स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में 13 मार्च से 15 मार्च 2019 तक किया गया था। 57। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के द्वारा 10 दिवसीय लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? बाल भवन अंबाला में 19 मार्च से किया गया था। एंड अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता किस जिले में आयोजित हुई? 22 से 24 मार्च 2019 तक पानीपत में आयोजित हुई थी। अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी? रेलवे। रेलवे ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में हरियाणा की टीम कौन से स्थान पर रही थी? 3 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। झज्जर जिले में किस गांव को डिजिटल गांव बनाया जा रहा है? सांखोल को। हरियाणा के किस व्यक्ति ने 2.65 नैनो सेकंड में 10 बोतल तोड़कर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ में अपना नाम दर्ज करवाया है? करनाल के सतीश ने जर्मनी के युवक के द्वारा 1 मिनट में 65 बोतल तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसे सतीश ने तोड़ दिया है। उन्होंने 1 मिनट में 73 मतलब 73 बोतल तोड़कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। हरियाणा के किस जिले में 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? 23 मार्च से 25 मार्च तक हिसार के महावीर स्टेडियम में किया गया था। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। ये थे मार्च के करंट अफेयर्स, और आपको कल आने वाले, कल हम अप्रैल के करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।